बॉलीवुड में अक्सर सौतेली माँ का किरदार बेहद खराब दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में बी टाउन एक्ट्रेसेस स्टेप मॉम होने के बावजूद अपने बच्चों के लिए एक अच्छी दोस्त साबित हुई हैं। नहीं नहीं, नई मॉम्स ने स्टेप मॉम्स की इमेज तक बदल दी। आज हम आपको बॉलीवुड की ऐसी ही कुछ स्टेप मॉम के बारे में बताएंगे जिन्होंने सौतेले शब्द के मायने को ही बदल कर रख दिया। करीना कपूर। सैफ के साथ शादी करने के बाद करीना ने अपने सौतेले बच्चों को हमेशा अपने बच्चों जैसा ही समझा, बल्कि वो हमेशा ही एक अच्छी दोस्त की तरह उनसे मिलती हैं। सारा भले ही सैफ की पहली पत्नी अमृता की बेटी हैं, लेकिन अक्सर सारा अपनी मम्मी करीना के साथ एंजॉय करती हुई नजर आती हैं। मान्यता दत्त। संजय दत्त की सबसे बड़ी बेटी त्रिशाला उम्र में मान्यता से सिर्फ 9 साल छोटी हैं। मान्यता और त्रिशाला एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। दोनों अक्सर ही अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। हेलन। सलमान खान के पापा सलीम खान ने 2 शादियां की थी, पहली सलमा खान से और दूसरी हेलन से। लेकिन हेलन सलमान की फैमिली का अहम हिस्सा होने के साथ साथ सलमान के दिल के भी काफी करीब मानी जाती हैं। किरण राव। आमिर खान की वाइफ किरण राव का अपने दोनों सौतेले बच्चों के साथ बेहद प्यारा रिश्ता है। आमिर के बड़े बेटे जुनैद अपनी स्टेप मॉम किरण के काफी अच्छे दोस्त भी हैं। सुप्रिया पाठक। बॉलीवुड के साथ ही छोटे पर्दे पर मशहूर एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक शाहिद कपूर की सौतेली माँ हैं, लेकिन फिर भी शाहिद और उनकी माँ के बीच भी काफी अच्छा रिश्ता है। तो ये थी बॉलीवुड की वो एक्ट्रेसेस जिन्होंने स्टेप मॉम के टैग को बदलकर इसको एक नया नाम दिया। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।